तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फोकस विद इन कैसे काम करता है सीएसएस में। तो चलो देखते हैं। तो एक्चुअली फोकस विद इन प्रॉपर्टी हमारा कोई भी अगर एलिमेंट है उसके अंदर हमारा अगर कोई इनपुट एलिमेंट है तो उसके फोकस पे वो एलिमेंट अफेक्ट होता है। जैसे हमारा एक ट्यूब है क्लास नेम बॉक्स का, मान लो कि हमारा एक इनपुट है इसमें इनपुट टाइप इनपुट टेक्स्ट। तो हमारा जब भी ये इनपुट फोकस होगा तो हम इस पे इस ट्यूब पे फोकस विद इन प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो डॉट बॉक्स फोकस विद इन, अब लेट से कि हम फोकस विद इन जब भी होता है हम उसका बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं। बैकग्राउंड पता चले इसके हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग के ऊपर से जब भी ऐसे फोकस होगा ये हमारा बैकग्राउंड लगा दें। इसका एक बेनिफिट ये है कि जब भी यहाँ फोकस होता है तो इस पर हम छः से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको जहाँ भी ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हो कि हमको किसी पेरेंट के, अगर कोई हमारे पेरेंट उसके अंदर इनपुट है और हम उस पर उसके फोकस पे अगर कुछ सी एस एस अप्लाई करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे फोकस विद इन यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फोकस विद इन प्रॉपर्टी यूज। तो ऐसे ही और सी एस एस प्रॉपर्टीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।